नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौमदीप नंदी। टेक में के न्यू वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दो तो भाई, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। आप अगर कोई भी काम अपने सच्चे दिल से कर रहे हो, अपने ऑनेस्टी से कर रहे हो, अपने मेहनत से कर रहे हो, तो कोई भी काम आपके सामने कभी छोटा नहीं लगेगा। आज का वीडियो पे मैं एक ऐसा जॉब के बारे में बताने जा रहा हूं जो सुन के बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि भाई मैं करूंगा ये काम मेरे लिए है, मैं कभी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं ये काम करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे कि इतना पढ़ा लिखा होके भी ये बंदा ऐसा काम कर रहा है, या पढ़ाई करते करते एक स्टूडेंट होते समय ये ऐसा काम कर रहे तो फ्यूचर में क्या करेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में भी मैं आप लोगों के लिए एक एडिशनल चीज लेके आया हूं जिसका नाम है अमेजिंग टिप्स। और अमेजिंग टिप्स से आपको ऐसा कुछ चीज के बारे में पता चलेगा जो आपको शायद पता नहीं होगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो एक ऑफलाइन काम का है, जिस काम को करके आप महीने का 18,000, 19,000, 20,000 तक भी पैसा कमा सकते हो। बट कैसे, सारी चीज के बारे में मैं बताऊंगा। आप लोग तो बहुत सारे फूड डिलीवरी ऐप के बारे में सुने होंगे, जैसे फूड पंडा, स्विगी, जोमैटो, उबर इट्स। ये सबके जो भी कंपनी है, ये सारे कंपनी का एक डिलीवरी बॉय का सेक्शन रहता है जो अपना फूड जो होता है, जो हम लोग ऑर्डर करते हैं, उस फूड को हमारे पास तक पहुंचा देता है। ये सारे कंपनीज को, ये बहुत जो भी डिलीवरी बॉय होता है, बहुत सारे टाइम में बहुत सारा ज्यादा डिलीवरी बॉय का रिक्वायरमेंट करता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको उस ऑफिस में जाके रजिस्टर करना पड़ता है एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए। और जब उस स्पेसिफिक लोकेशन के लिए अपना नाम रजिस्टर करते हो तो आपके पास जो भी डिलीवरी आता है या जो भी कॉल्स आता है, तो वो सारे आपका जो भी प्लेस है उस प्लेस के 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही होता है। अब इधर से आप कैसे पैसा कमा सकते हो या कितना पैसा मिलता है, अगर मैं एक ऑन एन एवरेज पकड़ लूं कि आपको 30 रुपीज मिलता है पर डिलीवरी के, और आप दिन का अप्रोक्स 20 डिलीवरी करते हो तो आपको पर डे का 600 रुपया मिलता है। तो 600 रुपया मतलब आपको महीने का आप 30 दिन काम कर रहे हो तो आपका 18,000 रुपया मिल सकता है। अब आप बोलोगे भाई, पढ़ाई करते करते मैं ऐसे काम कैसे कर सकता हूँ। आपका कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि आपको सुबह ही काम करना होगा, आपको शाम को भी काम करना होगा। आपका जो भी टाइम है, आप किसी भी टाइम स्लॉट पे आपका लॉगिन कर सकते हो। सुबह हो सकता है, शाम का हो सकता है, आपका रात का भी हो सकता है। आप जो भी कंपनी का एक स्पेसिफाइड वर्किंग आवर्स है, उस वर्किंग आवर्स के हिसाब से आप जिस टाइम पे आपका लॉगिन करोगे उस टाइम तक आपको करना है। अब बाहर वाले जो भी स्टेट है, उस स्टेट पे क्या होता है कि रात के टाइम ज्यादा डिलीवरी भी आता है, बट कलकत्ता में उतना डिलीवरी नहीं आता है। अभी फिलहाल आना स्टार्ट हुआ है पर उतना नहीं आता है, इसीलिए लोग, आप अगर चाहो तो आप शाम के 5 बजे से, मान लो उसका एक लॉगिन स्लॉट है, आप शाम के 5 बजे आप अपना लॉगिन कर लो, और मान लो 8 घंटा अगर आपको काम करना पड़ता, आपका वर्किंग आवर्स 8 घंटा है, तो आप रात 1 बजे तक काम कर लो, उसके बाद जाके आप सो जाओ, फिर नेक्स्ट डे उठो, आप सुबह पढ़ाई करो, फिर कॉलेज करो, फिर आप काम पे ज्वाइन करो। ऐसा पॉकेट मनी आपको एक अच्छा खासा पैसा भी मिल रहा है। उसके साथ आप जब ऑर्डर करते हो तो आपको देख रहे होगे कि उधर पे एक ऑप्शन रहता है जो टिप बोल का ऑप्शन रहता है। ये एक, एक, एक मतलब एक्स्ट्रा है, ये आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, बट उस पे भी आपको एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है। तो बेसिकली ये एक चीज है, क्योंकि मैंने अभी तक जितना भी जॉब्स के रिलेटेड बात बताया वो सारे ऑनलाइन थे, तो मैंने सोचा एक ऑफलाइन जॉब के बारे में भी बता दूं। बट हाँ, बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि ये भी कोई एक काम होता है, ये काम मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर सकता। भाई ये काम सबके लिए नहीं है, जिसके जिसके पास नीड है, जिसको बहुत जरूरी है पैसा कमाना, जो सोचते हो कि हाँ भाई कोई भी काम मेरे लिए छोटा नहीं है, मैं सच्चे दिल से अपने ऑनेस्टी से इस काम को करूंगा, तो आप लोग इस काम को कर सकते हो। आप अगर गूगल में सर्च करोगे आपको मिल जाएगा आपके नियर बाय कहाँ पे ये सारे जो भी फूड डिलीवरी ऐप है इसका ऑफिस है, वहां पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए सब कुछ लेके जाइए, और नहीं तो आप किसी से भी पूछ सकते हो, जो भी डिलीवरी करते हो सब पूछ सकते हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, और उस डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो।
तो बेसिकली यही था आज का वीडियो। अब आता हूं जो वीडियो के पहले में बोला था एक अमेजिंग टिप्स के बारे में। आपसे मैं कोशिश करूंगा हर वीडियो के एंड में ऐसी अमेजिंग टिप्स को ऐड करने का। आज का जो अमेजिंग टिप्स है उस पे है कि हम लोग जो ऑक्टोपस देखते हैं उस ऑक्टोपस के पास 3 हर्ट्स 9 हेड्स एंड उसके साथ उसके शरीर के अंदर जो ब्लड है वो ब्लू कलर का होता है। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोगों को पसंद है। अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।